उसको कैसे इम्प्रूव किया? लाइक पेपर टू के बिना लोग ऐसे बोला जाता है, पेपर वन जेआरएफ करवाता है जो कि सही है, बट अगर पेपर टू नहीं करोगे तो नेट ही नहीं होगा, तो नेट करना है हाँ फिर ही जेआरएफ होगा, तो कैसे पेपर टू में इम्प्रूव किया? एग्जैक्टली मैम, मैंने पहले जब शुरू किया था यही बोल रहे थे कि पेपर वन कर लो अच्छे से, पेपर टू तो आपका है ही, इसमें तो आप कर ही लोगे स्कोर, जेआरएफ हो जाएगा नेट। मैंने पेपर वन पे स्टार्टिंग में बहुत फोकस किया जिसकी वजह से मेरा नेट भी नहीं निकला क्योंकि उसको ध्यान रखते रखते, क्योंकि नया सब्जेक्ट है सब ये बोलते हैं कि पेपर टू आपका सब्जेक्ट है, आपने पढ़ा है, आपको आता है। बट नहीं, ऐसा नहीं है कि आपके लिए पेपर वन नया, भले ही पेपर वन नया है पर उतना नहीं है कि आप पूरा ध्यान उस पर दे दो। मैंने ये गलती की थी, मैंने पूरा ध्यान पेपर वन पे दे दिया था जिसकी वजह से मेरा पेपर टू वीक होता चला गया। मैं मतलब हमारे बेसिक्स जो अपने कॉमर्स के होते हैं वो भी भूलने लग गई थी, मेरे को जनरल एंट्रीज भूलने लगी, अकाउंट ये हाल हो गया था मेरा पेपर टू का। अगर नहीं यार ऐसा तो काम नहीं चलेगा। फिर मैंने अपना पेपर वन को रखा और फिर मैंने अपने पेपर टू पे ज्यादा फोकस किया उस टाइम पे, फिर मैंने दोनों जब लेवल पे आ गए उस अकॉर्डिंग फिर अपना किया था। और पेपर टू में मैंने आपकी क्लासेस देखना शुरू किया ना, जब मेरे को मतलब मैंने 3 से 4 एजुकेटर्स की यूट्यूब वीडियोस देखी थी स्टार्टिंग में, देखा जो टाइम पहले तो हाँ ठीक है, एक दो एजुकेटर थे समझ में आ गए, उस टाइम शायद आप नहीं आए थे यूट्यूब पे, तो आपसे पहले मैं देखती थी, काफी सारे टीचर्स की देखी है मैंने, तो हाँ ठीक है स्टार्टिंग में समझ में आता था, कोई दिक्कत नहीं थी, कर रहे चल रहा था। लेकिन ना जो मेरे को बाद में जब मैंने जून का टाइम दिया उससे पहले रियलाइज हुआ यार मेरे जो वीक पॉइंट है वो तो क्लियर हो ही नहीं रहे हैं यहाँ पे, मेरे को वो खटक गई वो चीजें होती है ना कि यार ये तो मेरे क्लियर ही नहीं है, इसके बिना तो मैं कैसे ही करूंगी, तो वो वाली चीजें वो पढ़ा अच्छा रहे थे बट वो ये ना कि यार मेरे को उस टाइम तो समझ में आ रहा था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चल रही थी मैं कि हाँ ये आता है, सर ने बोला मैम ने बोला ये पढ़ लेते हैं पेपर हो जाएगा, बट वो हो ही नहीं रहा था। जब तक तो खुद की कमियां आप पूरी नहीं करोगे तो आपका पेपर नहीं होगा। और जब फिर मैंने आपकी एक दो क्लासेस देखी ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो आपका आया था, तो मैंने यू पेपर टू की आपकी क्लासेस देखना शुरू किया, मैंने देखा कि कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय, तो आपका वो चैनल था जो फर्स्ट वाला था तो मैंने उसको ज्वाइन किया, फिर मैंने आपकी काफी सारी क्लासेस देखी, फिर मेरे को समझ में आया, मेरे को लगा फिर अरे यार यही चीज तो मेरे को चाहिए थी, ये ऐसे ही तो मेरे को समझ में आता, यही चीज तो, अरे यही तो नहीं आता अगर यही मैम समझा रही है, लाइक अब मिल गया। फिर मैंने बाकी सारे कॉमर्स के सारे बंद कर दिए, फिर मैंने किसी का भी यूट्यूब पे दूसरा एजुकेटर की कोई वीडियो नहीं देखी, कॉमर्स के लिए सिर्फ एक आयुषी मैम, पूरा यूट्यूब पे आपका ही भरा है, पूरा चैनल सारे सब्सक्राइब कर रखे, सारे आपके हैं, सारी क्लासेस आपकी थी, फिर उसके बाद फिर मेरा बहुत बेसिक सारा बढ़िया। अलग है। अब वो बेसिक स्ट्रॉन्ग होना अच्छी बात है और वही इम्पोर्टेंट है, उसके बाद जो बात आती है वो पेपर में कैसे पूछा जा रहा है वो ट्रेंड को समझना भी ज़रूरी है। एंड मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि बेस क्लियर करो, बट सिर्फ बेस नहीं और सिर्फ एडवांस नहीं काम आएगा, बेस प्लस एडवांस काम आएगा। तो बेस सबका क्लियर है, यू नीड टू वर्क हार्डर ऑन एडवांस पोर्शन, और वही चीज़ जो है उस पर मेहनत चलती है और फाइनली जो है उसके रिजल्ट्स अब मैं देख रही हूँ, तो इट फील्स ग्रेट कि जो मेहनत कर रहे हैं वो रंग ला रही है एंड आप सभी जो है उस पर अपना 100% दे रहे हो और अपना रिजल्ट लेके आ रहे हो। तो बहुत अच्छा लगा आपसे सारी चीज़ें सीख के जान के। जो बच्चे बहुत ही माइनर सी चीज़ों से रह गए हैं, आपको ये मैं बता दूं कि आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट है, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी अकॉर्डिंग जो आपका स्कोर है, स्कोर से स्कॉलरशिप मिलेगी। एंड अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं कि मैम आपसे पढ़ना है, गाइडेंस प्रॉपर मिले एंड प्रॉपर सारी चीज़ें A to Z आपको सीक्वेंस में मिले, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 20% डिस्काउंट चल रहा है, JRF20 कोड आप यूज़ कर सकते हो एंड ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं, कोई एक आधी चीज़ नहीं, हर चीज़ जो भी आपको रिक्वायर्ड है, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक्स, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, क्रैश कोर्स, हर चीज़, स्टडी प्लानर, जॉब रिलेटेड काउंसलिंग, PhD इंटरव्यू काउंसलिंग, हर चीज़ आपको मिलेगी एंड बिल्कुल पर्सनल कनेक्ट होता है। और आपको इस तरीके से बेसिक्स टू एडवांस करवाया जाता है जो आपको सिर्फ इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में नहीं, बल्कि इसके बाद जब आप कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो आपके पास इतना मटेरियल होगा कि आप बहुत आराम से किसी को पढ़ा सकते हो। आपको हैंडबुक्स भी मिलती हैं, आपको PDFs भी मिलती हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में और मिक्स लैंग्वेज में मैं समझाती हूँ, बिल्कुल डिटेल में हर एक कंसेप्ट की तह तक जाते हैं और जो चीज़ें हमारे लिए जितना समझना ज़रूरी है उसको हम समझते हैं, सो दैट हमारा एग्जामिनेशन जो है वो निकल सके एंड हम इस तरीके से अपनी कंसेप्ट की क्लैरिटी लें कि हमारे को हर चीज समझ आए कि क्यों कैसे हो रही है। तो वो चीज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इस एग्जामिनेशन तक नहीं, ये जो आपके लिए कोर्स डिजाइन किया जाता है ये एग्जामिनेशन तो क्रैक करवाएगा ही, उसके साथ साथ एग्जामिनेशन के बाद की जर्नी जो है आपकी वो भी बहुत ज्यादा अमेजिंग आपके लिए होने वाली है। हर पॉइंट पे आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है और जॉब रिलेटेड
काउंसलिंग्स भी आपकी होती हैं और जॉब्स के बारे में भी बताया जाता है, जिससे आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक करके बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हुए आगे बढ़ सकते हो एंड अपने लिए एक अर्निंग हैंड भी बन सकते हो। तो ये वीडियो आपकी यहीं तक रखूंगी। बहुत अमेजिंग तरीके से आपके लिए जो है चीज़ें लाई जा रही हैं यूट्यूब पे, पेड बैचेस में, हर जगह कंटेंट आपको टॉप क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है। ऐसा कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ये चीज़ के दावे के साथ आपको जो है इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि आप साथ में भी अपने यूजीसी नेट की तैयारी करके उसको भी तो क्रैक करो ही, बल्कि जब आप जाओ असिस्टेंट प्रोफेसर बनो वहाँ पे भी ये नोट्स आपको इस तरीके से हेल्प करें कि आपका पढ़ाया हुआ बच्चों को इस तरीके से समझ आए कि यस ये चीज़ें जो हैं ये है क्वालिटी कंटेंट जो मैं अपनी तैयारी में मिस करता हूँ, वो चीज़ मुझे मिल रही है। तो ये चीज़ जो है आपके लिए की जाती है ओनली ऑन GRF अड्डा एप्लीकेशन, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ भी सवाल हैं आपके आप पूछ सकते हैं और स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है, डिस्काउंट भी है, हर चीज़ का बेनिफिट लो और एक साल के लिए कड़ी मेहनत करो। एंड जिनका भी हो चुका है 3 महीने आपके पास है मैक्सिमम, 2 से 2.5 महीने ही बोलूंगी मैं, आप दिसंबर 2024 के लिए तैयारी करो। क्रैश कोर्स आपके लिए नवंबर में स्टार्ट होने वाला है, टेस्ट सीरीज आपके लिए नवंबर में स्टार्ट होने वाली है और ये दो चीज़ें जो हैं ये बहुत हेल्प आपको करेंगी रिवीजन में एंड साथ ही साथ जो कोर है टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की वो आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और कैसे सॉल्व करने हैं। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड कोई भी आपको डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।